सब्सक्राइब करें और साथ में दबा दें बेल आइकन वाले बटन को ताकि आपको मिलती रहे इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो सबसे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंफॉर्मेशनल पैलेस और मैं हूं आपका होस्ट अहमद, एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मैचेस को अपने मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मैचेस को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मैचेस को अपने लैपटॉप या पीसी पर इजीली देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल इन्फॉर्मेशनल पैलेस पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब कर दें, साथ में दबा दें बेल आइकन वाले बटन को। तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपने करना क्या, सबसे पहले आपने ब्राउजर ओपन करना है, जो भी आप यूज कर रहे हैं। ओपन करने के बाद आपने सिंपली जो है सर्च में जाना है और लाइव नेट टीवी लिखना है, और लाइव नेट टीवी लिखने के बाद आपके सामने जो पहले वाली ऑप्शन शो होगी आपने सिंपली जो है उसको क्लिक कर देना, जैसे कि डाउनलोड लाइव नेट टीवी एपीके लिखा हुआ, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपने इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना, और स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने डाउनलोड लाइव नेट टीवी ऐप जो है ये आ चुका है। आपने सिंपली इसको क्लिक करना है और इसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा आपके मोबाइल में ये लाइव नेट टीवी। क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हो तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, अभी मैं वो आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने अभी इसको ओपन कर लिया है, तो ये आप देख सकते हैं कि लाइव नेट टीवी ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। तो आप देखिए, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज बनी हुई हैं, एंटरटेनमेंट है, चैनल्स है, देन न्यूज़ है, और उसके बाद स्पोर्ट्स है। तो आप ये देख सकते हैं कि तमाम टीवी चैनल जो हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं, यानी कि स्पोर्ट्स चैनल जो हैं जियो सुपर है, पीटीवी स्पोर्ट्स है, ये तमाम वाले चैनल जो हैं इधर आ चुके हैं। तो अब दोस्तों, आपको एक बात जो कि नोट करने की है कि ये लाइव नेट टीवी सिर्फ उसी मोबाइल में चलेगा, उसी मोबाइल पर चल सकेगा जिसमें एमएक्स प्लेयर इंस्टॉल होगा। तो आपको एमएक्स प्लेयर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपने प्ले स्टोर में जाना है और सिंपल एमएक्स प्लेयर लिखना है और एमएक्स प्लेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप दोनों ऐप्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो आपने लाइक शेयर और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।